गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग फिर से चैप्टर 1 से रिवाइज करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, फिर से उसको चैप्टर को रिवाइज करते हुए हम लोग 7 तक पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट, है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 1 जो है रिवीजन के लिए खोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि वर्ड्स को वर्ड्स जो है इस चैप्टर में उनके वर्ड्स को नोट करना है आपको नोटबुक में, यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोटबुक में लिखना है और उनके मीनिंग्स को लिखना है और उनको याद भी करना है, ठीक है। तो मैं आज चैप्टर्स को पढ़ रहा हूँ, आप पेज नंबर 1 जो है वो निकालिए जिसमें लिखा हुआ है रीनी एंड रोहन गो टू स्कूल, फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट पेज। और उसके अंडरस्टैंड वाले बॉक्स को मैं जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए और देखिए जो जो मैं वर्ड सब बोलता जाऊँगा उसको आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉपी में आप लोग नोट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसका मीनिंग लिखाऊंगा, ओके। एक कॉमिक, कॉमिक को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, कॉमिक स्ट्रिप, कॉमिक मतलब होता है हास्य, राइट। हम लोग कॉमिक्स बुक आता है पढ़ने के लिए, हास्य की किताबें आती है ना। तो एक कॉमिक स्ट्रिप इज ए स्टोरी टोल्ड विथ, टोल्ड मीन्स होता है कहना, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग को अंडरलाइन कीजिए, है ना। द पिक्चर्स सो SHOW सो को अंडरलाइन करिए, वॉट इच कैरेक्टर, इच को अंडरलाइन करिए, कैरेक्टर्स कैरेक्टर को अंडरलाइन करिए, इन द स्टोरी मतलब कहानी तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए। साउंड्स मेड बाई द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर ऑल्सो सोन, SHOW एंड सोन को अंडरलाइन करिए। दिस इज एन ईजी, ईजी मीन्स होता है आसान, EASY ईजी, अंडरलाइन कर लीजिए अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंडरलाइन करिए। ईजी एंड फन वे, फन का मतलब होता है मज़ेदार, है ना। तो FUN फन, फन मीन्स भी जो होता है, फन मीन्स होता है मज़ा या मज़ेदार तरीके से, फन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 में जिसमें फिगर्स वगैरह बने हुए हैं और उसमें डायलॉग्स है ना। रीनी एंड हर ब्रदर रोहन आर स्लीपिंग, देयर मदर मिसेज माला वर्मा वेक्स देम अप, वेक्स में अंडरलाइन कीजिए आप, WAKES वेक्स को अंडरलाइन करिए। और स्लीप मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, सोना होता है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है ना, अगर नहीं जानते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। वेकअप, वेकअप तो आप लोग जानते ही हैं, सुबह जगना। रीनी एंड रोहन इट इज 6 ऑलरेडी, ऑलरेडी को अंडरलाइन करेंगे, ALREADY ऑलरेडी, ठीक है। गेट रेडी फॉर स्कूल, रीनी एंड रोहन गेटअप, गेटअप को अंडरलाइन करिए। एंड ब्रश देयर टीथ, दे टेक शावर्स टू गेट रेडी, SHOWERS उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। रीनी एंड रोहन गेट ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना, तैयार होना। और विद द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग लिख लीजिए, डाइनिंग को अंडरलाइन कीजिए, डाइनिंग टेबल को, खाने वाला जो टेबल होता है वो। प्रिपेयर्ड को अंडरलाइन करिए, ब्रेकफास्ट तो आप लोग जानते हैं ये नाश्ता। फिनिश मतलब पूरा करना, ठीक है। योर ब्रेकफास्ट फादर विल टेक यू टू स्कूल, आफ्टर ब्रेकफास्ट देयर फादर मिस्टर समीर वर्मा टेक्स देम टू स्कूल ऑन टेक्स, TAKES इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्कूल ऑन हिज रेड। बाय मॉम बाय टॉमी लेट्स गो, लेट्स गो को अंडर, लेट्स अस गो। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं, राइट। दे रिच स्कूल, दे आर हैप्पी, हैप्पी मीन्स आप लोग जानते ही हैं, खुश होना, अंडरलाइन कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। मीट को अंडरलाइन करिए, MEET मीट देयर फ्रेंड, फ्रेंड्स, ठीक है। हाय हीना, हाय फ्रेंड्स, हाय सनी, हेलो सनी, हाय रोहन, ओके।
बोथ ऑफ देम, बोथ को अंडरलाइन करिए, इंग्लिश आर द फर्स्ट पीरियड, PERIOD, पीरियड को भी अंडरलाइन करिए, आई लव स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, स्टडी को भी अंडरलाइन करिए, प्रियंका मैम इज द बेस्ट टीचर, एट लंच टाइम, लंच तो आप लोग जानते ही हैं, शेयर देयर, शेयर SHARE, शेयर, इसको अंडरलाइन करिए, शेयर का मतलब होता है बांटना, द टिफिन विथ फ्रेंड्स, इन द गेम्स पीरियड दे प्ले देयर फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट गेम, फेवरेट का जो है स्पेलिंग आप याद करिए और इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए पहले, रोहन प्लेज बास्केटबॉल, रिनी लव्स फुटबॉल, ओके, नेक्स्ट है रोहन एंड रिनी वेट, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, इसको भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसका मीनिंग भी लिखेंगे, स्कूल टू एंड, आई होप, होप को अंडरलाइन करिए और होप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करिए, आई होप स्कूल गेट्स ओवर सून, यस देन वी कैन गो होम विथ फादर, ऑन रीचिंग होम, रीचिंग को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, रस RUSH, रस को अंडरलाइन कीजिए, दे हैड ए वंडरफुल डे, वंडरफुल डे को अंडरलाइन कीजिए, हाउ वॉज स्कूल किड्स, किड्स को अंडरलाइन कीजिए, यानी स्कूल में जो बच्चे थे वे कैसे थे, ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिखिए, है ना, और इसके बाद इसके मीनिंग्स को भी हम लोग लिखते हैं, तो फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है कॉमिक, कॉमिक मीन्स होता है रहस्य, सॉरी हास्य, फर्स्ट वर्ड है कॉमिक, COMIC, कॉमिक मीन्स होता है हास्य, ठीक है, कॉमिक मीन्स हास्य, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, STRIP, स्ट्रिप मीन्स पट्टी, थर्ड हमने क्या लिखवाया था, ड्रॉइंग्स मीन्स चित्रकारी, ड्रॉइंग DRAWING, ड्रॉइंग मीन्स चित्रकारी, ठीक है, ड्रॉइंग मीन्स चित्रकारी, उसके बाद है शो, SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना, है ना, या प्रदर्शन, SHOW, शो मीन्स प्रदर्शन, SHOW, शो, प्रदर्शन या दिखाना, शो मीन्स दिखाना, जैसे हम बोलते हैं ना शो योर नोटबुक्स, है ना, तो आप अपना नोटबुक दिखाइए, नेक्स्ट है इच, इच कैरेक्टर, राइट, EACH, इच मतलब प्रतीक, EACH, इच, इच मीन्स होता है प्रतीक, प्रतीक, नेक्स्ट है कैरेक्टर, नेक्स्ट क्या है, ये इन सारे वर्ड्स को आप नोट कीजिए फटाफट, पहले कैरेक्टर्स का मतलब होता है चरित्र, यानी आपका कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, राइट, CHARACTER, कैरेक्टर, स्टोरी मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं कहानी होता है, ठीक है, और सोन जो है SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना, और सोन मीन्स होता है और पता चला, जैसे यहाँ पे है ना, और ऑल्सो सोन, कैरेक्टर्स आर स्टोरी, द कैरेक्टर्स आर इन द स्टोरी आर ऑल्सो सोन, सोन मीन्स पता चला,
सोन, SHOW, एंड सोन मीन्स पता चला। नेक्स्ट वर्ड क्या कराया था? इजी, इजी मीन्स आसान, आसान है ना, या हल्का आप लिख सकते हैं, इजी मीन्स आसान या हल्का भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है 9, फन, FUN, फन, फन मीन्स होता है मजा। नंबर 10 क्या लिखवाया था? स्टोरी टेलिंग, नेक्स्ट लिखिए स्टोरी टेलिंग। कहानी कहना है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा था स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब होता है सो रहा है ना। स्लीपिंग इन वर्ड्स को पहले आप नोट करिए फटाफट। SLEEPING, स्लीपिंग मीन्स सोया हुआ, सोया हुआ। नेक्स्ट मैंने क्या लिखाया था? वेक अप, यानी वेक्स, वेक्स और वेक अप। वेक्स मतलब वेक्स देम अप। वेक अप लिखिए WAKEUP। वेक अप का मतलब होता है उठो। WAKEWAKE अप मीन्स होता है उठो, वेक अप या उठना, जगना है ना। उसके बाद मैंने लिखा था ऑलरेडी, मतलब पहले से, ऑल READY, ऑलरेडी मतलब पहले से, ठीक है, ऑलरेडी मीन्स पहले से। चलिए नेक्स्ट है गेट अप, गेट अप। गेट अप एंड ब्रश देयर टीथ। फोर्टीन गेट अप मीन्स उठ जाओ, उठ जाओ। फिफ्टीन, फिफ्टीन में क्या लिखाया था? सॉवर्स, SHOWERS, सावर्स का मतलब ऐसे बारिश होता है, ठीक है, लेकिन
यहाँ पे बारिश नहीं है, बारिश हम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो है वो बाथरूम में पाइप्स लगे होते हैं और जिसमें से पानी जो है झरने की तरह गिरता है ना, उसको हम लोग सावर्स बोलते हैं, यानी झरना भी आप बोल सकते हैं। वैसे सावर्स मीन्स बारिश होता है। तो फिलहाल आप लोग ये 15 जो है आज इतना ही रन दीजिए, और इसने वर्ड्स को जो है रिवाइज कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, फिर हम आगे आपको और लिखवाएंगे। ओके, तब तक आप इतना याद याद कीजिए स्पेलिंग के साथ, विद स्पेलिंग, और फिर हम लोग आगे अब जो है फिर जो बचे हुए वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर के, इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।